आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वन वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके कोलोकेशन देखेंगे, साइनोनियम देखेंगे, एंटोनियम देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अप्रोवेशन, क्या है पहला मीनिंग? एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग है अप्रोवेशन। अप्रोवेशन का क्या है सिनोनिम है? अप्रूवल। एंटोनियम क्या है? सेंसर। कोलोकेशन इसके साथ क्या लगता है? ऑफिशियल अप्रोवेशन, शॉर्ट फॉर शॉर्ट फॉर अप्रोवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आर्टिकल, आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का डिफिनेशन है क्लेवर एक्शन, मीन टू डिसीव समवन। साइनोनिम क्या है? कंट्रीवेंस, CONTRIVENCE। एंटोनिम क्या है? ऑनेस्टी। आर्टिफाई, यहाँ पर आर्टिफाइस था, ARTIFIC। अगला में अगस्ट, अगस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? एट समथिंग। डिफिनेशन क्या है? द कंडीशन ऑफ बींग सॉफ्ट और स्टर्न, STUNED है। साइनोनिम क्या है? एस्टिफाइड। एंटोनिम क्या है? रिलाइव्ड। कोलोकेशन क्या है? टू स्टैंड एगोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अगला है ना, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या हो सकता है? वॉइस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, या क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है। डेफिनेशन क्या है? टू एक्सप्रेस और प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली, स्पष्ट रूप में किसी चीज़ को बोलना, एक्सप्रेस करना यानी व्याख्या करना। एंटोनियम क्या है? टू मंबल। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एटिकुलेट। एटिकुलेट क्या है? एडजेक्टिव है, इसके साथ वॉइस कोलोकेशन लगता है। साइनोनियम क्या है? डिस्टिंग। एंटोनियम क्या है? गार्बल्ड। अगले में चलते हैं। अगला क्या है? एटिकुलेशन। एटिकुलेशन क्या है? नॉन है, इसके साथ साइनोनियम क्या होता है? एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। एटिकुलेशन ये तो पढ़ लिए हैं, रिपीट है। अगला में एसेंचुएट। एसेंचुएट के साथ क्या लगता है? नीड, द नीड, एनीथिंग। डेफिनेशन क्या है? टू एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग। एंटोनियम क्या है? टू प्ले डाउन। अगला जो वर्ड मीनिंग होगा एनिमेटेड। एनिमेटेड के साथ कोलोकेशन क्या लगता है? डिस्कशन, कन्वर्जेशन। साइनोनियम क्या है? लाइवली। एंटोनियम क्या है? डल, DULL, डल। इसके साथ डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखते हैं, एनिमेट क्या है? वर्ब है। डिफिनीशन क्या है? टू मेक समथिंग ए पर्सन लाइवली और एक्टिव। दूसरे में देखते हैं एनिमेट। एनिमेट जब एडजेक्टिव रहेगा, ये हम वर्ब का डिफिनीशन देखे थे कि जब एनिमेट वर्ब है, एडजेक्टिव है एनिमेट। अब आगे देखिए, इसके साथ क्या साइनोनिम लगता है? लिविंग। कोलोकेशन क्या है? एनिमेट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखें। अगला एक्रेड। एक्रेड क्या हो सकता है? टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकता है, रिमार्क हो सकता है। साइनोनियम क्या है? बिटर, पंजेंट। एंटोनियम क्या है? स्वीट, सूथिंग। अगला क्या है? एनालॉगी। एनालॉगी के साथ प्रीपोजिशन क्या है? बिटवीन, विद। साइनोनियम क्या है? सिमिलैरिटी। एंटोनियम क्या है? डिफरेंस। अगला क्या है? एक्वर। एक्वर के साथ प्रीपोजिशन टू। डिफिनीशन क्या है? टू कम नेचुरली। जनरली क्या होता है? फाइनेंशियल बेनिफिट। एंटोनियम क्या होता है? टू वेन। डिफिनीशन क्या है? टू गेट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस के सेंस में। चलिए आगे क्या है? अवॉइड। अवॉइड के साथ कोलोकेशन क्लेम एम, सॉरी यहाँ पर एम है, माफ करिएगा, इंटेंशन या एनिमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तक पढ़े थे? इंटेंशन और एनिमी तक। उसी वर्ड का जो डिफिनीशन हम देखेंगे, समथिंग डैट इज डिक्लेयर्ड ओपनली। यहाँ पर वर्ड को ही पढ़ रहे हैं, AVOWED। अवॉइड। डिफिनीशन क्या है? समथिंग डैट इज डिक्लेयर्ड ओपनली। सिनोनिम क्या है? स्टैंग, STANCH है।
एंटोनियम वेवरिंग, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? अवोवल। अवोवल क्या है? नॉन है। सैनोनिम क्या है? डिक्लेरेशन। कोलोकेशन इसके साथ क्या लगता है? अवो जब वर्ब है तो इसका है बिलीफ, फेथ, विश्वास। सैनोनिम टू एडमिट। अगला वर्ड मीनिंग है अवोटिव। अवोटिव के साथ कोलोकेशन क्या है? अटेम्प्ट, मिशन। सैनोनिम क्या है? अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल। एंटोनियम क्या है? सक्सेसफुल। अगला वर्ड मीनिंग एसिड्यूएस। एसिड्यूएस के साथ प्रीपोजिशन इन अ वर्क। डिफिनेशन क्या है? डूइंग लेबोरियसली एंड केयरफुली। सैनोनियम क्या है? डिलीजेंट। अडैज। अडैज के साथ डिफिनेशन क्या है? ए प्रोवर्ब रिगार्डिंग ए थ्रोथ। सैनोनियम क्या है? मैक्सियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो वर्ड मीनिंग है वह है एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। डिफिनेशन क्या है? समथिंग दैट इज नॉट क्लियर और डिफिनिट एंड हेंस इज डाउटफुल। सैनोनिम क्या है? अनसर्टेन। एंटोनिम क्या है? क्लियर। डिटरमिनेंट देखिए एम्बिग्यूटी, GITY नॉन हो जाएगा। अगला क्या है? अप्राइज। अप्राइज के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। सैनोनिम क्या है? टू इन्फॉर्म। एमनेस्टी। एमनेस्टी प्रीपोजिशन है इसके साथ। आगे चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक्ट ऑफ ग्रांटिंग पार्डन ऑफिशियली और टू ऑफेंडर्स। कोलोकेशन क्या है? टू ग्रांट। डिक्लेयर एमनेस्टी। अगला में क्या है? एट्रिस्टिक। एट्रिस्टिक क्या हो सकता है? बिहेवियर हो सकता है, एक्ट हो सकता है। डेफिनेशन क्या है? कंसिडरिंग द वेलफेयर्स ऑफ अदर्स पर्सन। साइनोनिम क्या है? ह्यूमन फिलेंथ्रोपिक। एंटोनियम क्या है? सेल्फिश। डिटरमिनेंट क्या है? एल्टरिज्म। एल्टरिज्म क्या है? नॉन है। अगला वर्ड मीनिंग है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रक्स के साथ कोलोकेशन टॉपिक हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। एब्स्ट्रस क्या है? टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट है। डिफिनेशन क्या है? समथिंग डैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सैनोनिम क्या है? इनकम्प्रिहेंसिव। एंटोनियम क्या है? ओबेबियस। अगला क्या है? अनाक्रोनिज्म। डिफिनेशन क्या है? समथिंग डैट इज मिसफिट इन ए गिवन सिचुएशंस और टाइम। एंटोनियम क्या है? बेफिटिंग। अगला जो बड़ा है अफोरिज्म। अफोरिज्म मतलब एन इंटेलिजेंट एंड ट्रूथ कंटेनिंग रिमार्क्स। अगला जो बड़ा है एब्सटेनमियस। ABSTEMIOUS। एब्सटेमियस क्या हो सकता है? पर्सन्स हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है। इसका डिफिनेशन क्या है? इंडलजेंट इन टू मच फूड और एनी सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट। साइनोनिम क्या है? टेम्परेट। एंटोनियम क्या है? इंडलजेंट। अगला जो बड़ है अवेयरनेस। ABEYNS ही है। डिफिनेशन टेम्पररली थ्राइव्स और सस्पेंशंस ऑफ एन एक्टिविटी और ए थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इसके एंटोनियम देखते हैं। इसका एंटोनियम है रिवाइवल। कोलोकेशन होता है टू पुट इन अवेयरनेस, टू फॉल इन अवेयरनेस, टू लिव इन अवेयरनेस। अगला जो वर्ड है अलैरिसिटी। अलैरिसिटी इसका डिफिनेशन है ग्रेट विलिंगनेस। साइनोनियम है रेडीनेस, प्रॉम्पिटीट्यूड। अगला जो एंटोनियम इसका रिलक्टेंस। कोलोकेशन क्या है? विथ अलैरिसिटी। अलैरिटी। अगला अनाथेमा। अनाथेमा के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। डिफिनेशन क्या है? थिंक दैट इज ग्रेटली डिसलाइक्ड। अगला जो वर्ड है अवाइस। अवाइस के साथ कोलोकेशन क्या है? ऑफ इग्नोरेंस या ग्रीफ बोल सकते हैं। डिफिनेशन क्या है? समथिंग दैट हैज नो मेजरमेंट। साइनोनियम क्या है? बॉटमलेस, डेप्थ। अगला जो वर्ड है एबरेशन। एबरेशन के साथ डिफिनेशन क्या है? टेम्पररी अब नॉर्मली। एंटोनियम क्या है? हारमोनी। डिटरमिनेंट क्या है? एवरेंट। एवरेंट एडजेक्टिव है। इसके साथ क्या लगता है? बिहेवियर हो सकता है, आइडिया हो सकता है। ये आइडिया लिखा हुआ है। इसका साइनोनियम है अब नॉर्मल, अनएक्सेप्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका साइनोनियम यहाँ भी लिख दिए अन अब नॉर्मल और असटेबल। अगला क्या है अब्रोगेट। अब्रोगेट के साथ कोलोकेशन क्या है? लॉ हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है। सैनोनियम है टू अवोलिस, टू रिपेल। एंटोनियम क्या होता है? टू रिटेन।
अगला वर्ड है जो अवाइस्मल, अवाइस्मल क्या हो सकता है, कंडीशन, कंडीशन डेफिनेशन क्या है, वेरीफाइड। दूसरा क्या है, इग्नोरेंस, पॉवर्टी। सिनोनिम क्या है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एंटोनिम क्या है, माइल्ड। अगला जो वर्ड है अक्लोइड, अक्लोइड के साथ सिनोनिम क्या लगता है, ऑनर, प्रेस। एंटोनिम क्या है, डिसग्रेस। अगला जो वर्ड है एसर्विक, एसर्विक के साथ कोले के साथ रिमार्क्स, रिमार्क्स और मैनर्स। सैनोनिम क्या है, हार्स, बिहेवियर और वर्ड्स, या कह सकते हैं एसिडिलियस। एंटोनियम इसका होता है कॉर्टियस, CourteyUS। तो चलिए इसी तरह का और भी वर्ड मीनिंग देखने के लिए, सैनोनिम देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर आते रहिएगा, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है ये सारे वर्ड मीनिंग। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।